भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति, नफरत की राजनीति, गलत इरादों और गलत नीयत के साथ दिल्ली का विकास कभी नहीं किया जा सकता, न भी हो सकता है। नहीं, दिल्ली का विकास हर रोज नए नए बहानों और कोसने से हो सकता है। विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, खुद को सेवक मानकर गरीब की सेवा करने की भावना, अपने संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला चाहिए दोस्तों। साथियों, अगर बहानों और कोसने से ही काम चलता तो क्या हमारी सरकार वो कड़े और बड़े फैसले ले पाती जो बीते 5 साल में एक के बाद एक मजबूत कदम हमने उठाए हैं, वो उठा पाते क्या? मेरे दिल्ली के लोग ये भली भांति जानते हैं, दिल्ली के साथ क्या हुआ है जो दिल्ली वाले जानते हैं, बाहर वाले जान नहीं सकते हैं। दिल्ली की 1700 से अधिक अवैध कॉलोनियों में 40 लाख लोगों को घरों के अधिकार का ही विषय दिल्ली कैसे भूल सकता है? यहां जो शासन में है वो तो कोशिश में थे कि किसी तरह और 1-2 साल के लिए ये मामला टला दिया जाए, टाल दिया जाए, रोड़े अटकाओ, झूठ फैलाओ, आशंकाएं भर दो, लेकिन ये मोदी है, ये भाजपा है, ये भाजपा का दम है। भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाई और आज 40 लाख दिल्ली वालों को अपने मकान, अपनी दुकान, उसका हक मिल गया। मुझे बताया गया है कि लाखों बहन भाइयों ने डीडीए के पोर्टल पर इसके लिए एप्लीकेशन भी डाल दिए हैं। भाइयों और बहनों, कई दशकों से दिल्ली के हर चुनाव में अनधिकृत कॉलोनियों में घर के अधिकार का मुद्दा सबसे प्रमुख होता था। हर चुनाव में सुनाई देता था कि नहीं सुनाई देता था, वादे किए जाते थे कि नहीं किए जाते थे, अनधिकृत कॉलोनी के लोग भी आशा के साथ वोट डाल देते थे कि नहीं डालते थे, भरोसा करके सरकारें बनाते थे कि नहीं बनाते थे, उनका काम होता था क्या? किसी ने समाधान किया क्या? समाधान किसने किया? किसने किया? ये 40 लाख लोगों को घर का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? आपका जवाब गलत है, मोदी ने नहीं दिया, ये आपके एक वोट ने दिया जिसने 7 एमपी को जिताया था। ये आपके एक वोट ने दिया जिसने 7 एमपी को जिताया था, जिसके कारण
पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और जिसके प्रयासों से आज 40 लाख लोगों को अपने घर का हक मिल गया। दोस्तों, ये मोदी के कारण नहीं, आपके वोट के कारण हो रहा है, आपके वोट की ताकत के कारण हो रहा है। इस चुनाव में भी एक बार कमल के निशान पर बटन दिखा दबा के देखो, आपके सपने पूरे होने लगेंगे। साथियों, दिल्ली भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि इन तमाम कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार बनने के तुरंत बाद अलग से उनका एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को लाख लाख बधाई देता हूं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोचा है, उनके विजन के लिए बधाई देता हूं। ये बोर्ड इन 1700 कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम करेगा।